तो ऐसे दिल्ली का मतलब मैं बोल सकता हूँ पैसा वसूल है, पैसा वसूल है, कोई जिसको आना है बिंदास आ जाओ, पैसा वसूल है। कितने घंटे हुई क्लास आप? 14 घंटे। किसी ने बोला था 14 घंटे पढ़ाने का, कितने घंटे की बात हुई थी? 12 घंटे। और कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हो जाएगा? 11 बज जाएगी। जी मेरा नाम मोहम्मद अफजल रजा है, मैं बिहार से हूँ। जी मैं सवेरे आया 8 बजे, 8 बजे आने के बाद ड्यूल डेकर सीखी, यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्विंग किया। अच्छा। रिवॉल्विंग करने के बाद उसके बाद 11 बजे से देव सर के साथ क्लास, प्रैक्टिकल क्लास हुई 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक हुई। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ लैब में आने के बाद फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल किया गया उसको। अच्छा। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर यहाँ पर पावर आईसी निकाला, पावर आईसी निकालने के बाद फिर उसको माउंट किया गया। यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या किया आपने? डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया। यस सर। कुछ आईफोन भी किए? यस सर। किसने किसने करा? सब सर। सबने सर। सबने। ऐसा कोई जिसने नहीं किया हो? सबने किया। यस सर। चलिए मतलब आईफोन का सीपीयू रिवॉल्व किया, एंड्रॉइड का सीपीयू रिवॉल्व किया, कंपोनेंट्स के बारे में डीपली जानकारी मिली, उसको आए ट्रैक किया, पूरा जानकारी ली। राज ने डबल डेकर सीपीयू किया है और पावर आईसी, पावर आईसी को रिकॉल कर बोर्ड पर भी लगाया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहली बार लगाई है। पहली बार लगाई इंदौर से? यस सर। हाँ सर, आज का वही सफर है? आज मॉर्निंग में सर डबल डेकर सीपीयू मैंने रिवॉल्व किया था। हाँ। 11 बजे तक सर वो बनाया, फिर 11 बजे बाद कंपोनेंट का क्लास लिया देव सर ने। हाँ। बहुत ही अच्छा समझाया सर, 6 बजे तक पढ़ाया। हाँ। और उसके बाद प्रैक्टिकल भी किया। हाँ। और अभी भी पावर आईसी बना के लगाया, उसमें भी सर देव सर की क्लास, सुबह हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया, उसके बाद में कंपोनेंट का प्रैक्टिकल किया और देव सर का क्लास था। और देव सर ने 11 बजे से लेकर 5:30 तक हम लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में बताया। और अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले पावर आईसी निकाला और उसके बाद में लगाया। वे सीपीयू रिवॉल्विंग की थी डबल डेकर, वो भी नॉर्मल स्टेंसिल से, यूनिवर्सल स्टेंसिल से। नाम मोंटी सर है, मैं दिल्ली से हूँ। आज सुबह 8 बजे से स्टार्टिंग हमने MMC डबल डेकर करी है, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल पे। तो हुआ आपसे? प्रॉपर हुआ। चार बार करी है। जी सर, आज मॉर्निंग में हमारी क्लास थी आई सी रिवॉल्विंग की, जिसमें हमने डबल डेकर और आईफोन का डबल डेकर। जैसा मैंने देखा वैसा ही है यहाँ पर सब, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक हो या लड़के झूठा रिव्यू दे दें। मैं खुद रिव्यू दे रहा हूँ, मैं गाजियाबाद में शॉप है मेरी चौधरी मोबाइल के नाम से। अच्छा। मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं, एक बार आके यहाँ काम देखें और सीखें। मैं चाहूँगा कि आप एक बार सब जितने भी मोबाइल वाले हैं एक बार कोर्स करें। पर लाइव सब हमको माइक्रोस्कोप दिखाता है और बोर्ड भी लगाता है, मोटामोटी जितना रिपेयरिंग में जितना इक्विपमेंट का जरूरत है ना सब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा। किसी भी तरीके का कोई कमजोर नहीं है। कैसा लगा आज का, बताओ आज का दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम अरफात, मुंबई कल्याण से। अच्छा। आज सर यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया और पहली बार आईफोन का भी सीपीयू रिवॉल्व किया है। हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी, हमने यूनिवर्सल उस स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व किया है, वो भी डबल डेकर।
कौन लाइव है? सब लाइव है। नींद तो नहीं आ रही? सवेरे कब आए थे? अभी टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं। जल्दी क्लास खत्म हो गई तुम्हारी? जल्दी हो गई? कितने घंटे हो गई क्लास आपकी? 14 घंटे। किसी ने बोला था 14 घंटे पढ़ाने का? क्या कितने घंटे की बात हुई थी? 12 घंटे। और कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हो जाएगा? 11 बज जाएगी। यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या किया आपने? डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया। कुछ आईफोन भी किए? किसने किसने करा? सबने सर। ऐसा कोई जिसने नहीं किया हो? सबने किया। नाम बताइए अपना। हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हुसैन लश्कर आसाम से आया हूँ। हमारा 2 दिन का क्लास हुआ है, लेकिन 2 दिन में हमारी सारी एंड्रॉयड मोबाइल का सारी कंपोनेंट आईसी वगैरह जितना पार्ट सब का जानकारी मिल गई। और हमने आज ही डबल ट्रैक का आईसी रिवॉल्विंग किया। पहले 8 बजे आया कल क्लास में, 11 बजे तक आईसी का काम हुआ है, और उसके बाद प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास हुआ देव सर के साथ। और आज हमारा पूरा देव सर कैसा पूरा दिखाया कि नहीं दिखाया तुमको? पूरा अच्छे से हमको, पूरा मेहनत से हमको पढ़ाता है। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अभी कंपोनेंट में कोई डाउट है किसी प्रकार का? शुरुआत में मैंने कंपोनेंट्स की जानकारी दी, सीपीयू रिवॉल्व किया फर्स्ट टाइम। अच्छा, प्रेशर कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल स्टेंसिल? यस सर, यूनिवर्सल से किया। उसके बाद कौन सा सीपीयू रिवॉल्व किया आपने? ये डबल डेकर। उसके बाद मैंने सारे कंपोनेंट्स की जानकारी मिली मुझे, पूरी कंपोनेंट्स के द्वारा मिली आपको जानकारी? देव सर। बताइए कैसा रहा क्लास आपका? अच्छा बढ़िया है। मॉर्निंग का बढ़िया है। और दोपहर का देव सर के साथ? कंपोनेंट में कोई डाउट है? एक एक चीज़ क्लियर है आपकी? यस सर। टेस्टिंग करना, निकालना, लगाना, टेस्टिंग करना, उसका क्या काम होता है, क्या रीडिंग होती है? मैं गाजियाबाद यूपी से आया हूँ जी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आई सी आके बना लूँगा। मैंने यहाँ आई सी बनाई है, वो भी डबल टेस्ट जी। ये सब देर सर की वजह से हुआ है जी। उनकी वीडियो मैंने देखी, उनकी वीडियो देख के मैं यहाँ आया। तो जैसा मैंने देखा वैसा ही है यहाँ पर सब। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक हो या लड़के झूठा रिव्यू दे दें। मैं खुद रिव्यू दे रहा हूँ। मैं गाजियाबाद में शॉप है मेरी चौधरी मोबाइल के नाम से। अच्छा, मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं, एक बार आके यहाँ काम देखें और सीखें। मैं चाहूँगा कि आप एक बार सब जितने भी मोबाइल वाले हैं एक बार कोर्स करें। मेरा नाम शहजाद है, मैं मेरठ से हूँ जी। सर, आज सुबह हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी, हमने यूनिवर्सल उस स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व किया है, वो भी डबल डेकर। और सर उसके बाद हमारी कंपोनेंट की क्लास थी, और कंपोनेंट की क्लास 5 बजे तक चली समथिंग। और उसके बाद हमने फिर यहाँ पर आकर सर ने बहुत ही डीपली करके समझाया, बड़े अच्छे से समझाया, जो बिल्कुल एक एक सब कुछ अच्छे से समझ में आया। मुंबई कल्याण से आज सर यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया, और पहली बार आईफोन का भी सीपीयू रिवॉल्व किया है, और कंपोनेंट की पूरी जानकारी मिल गई अच्छी तरह से 2 दिन में। अभी कोई भी बोर्ड पे हम लोग कंपोनेंट पूरी जानकारी मिलने की वजह से पूरा ट्रेसिंग कर सकते हैं आराम से। चलिए, नाम मोंटी सर है, मैं दिल्ली से हूँ। आज सुबह 8 बजे से स्टार्टिंग हमने MMC डबल डेकर करी है, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल पे जी। तो हुआ आपसे? प्रॉपर हुआ। चार बार करिए। तो कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बड़ा कोई सीपीयू है क्या? नहीं, इससे बड़ा। आईफोन भी ट्राई किया था? आईफोन भी ट्राई किया हुआ था। हुआ था। तो अब इसके ऊपर कुछ है क्या? इसके ऊपर तो कुछ। अच्छा, फिर दोपहर में क्लास आपकी देव सर के साथ थी, कंपोनेंट 2 की क्लास जी। प्रॉपर तरीके से समझाया बिल्कुल। किस लेवल से पढ़ाते हैं? बहुत अपर लेवल से। अपर लेवल से उस लेवल से कोई पढ़ा सकता है? नहीं सर, कोई 8 दिन का कंटेंट है, 2 दिन में ख़त्म कर दिया होगा। और आपको जो विशेष जानकारी है, जो वाकई में आपके प्रैक्टिकली तौर पे जानकारी आएगी, वही जानकारी आपको प्रोवाइड करेगी जी। वे सीपीयू रिबलिंग की थी डबल डेकर, वो भी नॉर्मल स्टेंसिल से, यूनिवर्सल स्टेंसिल से। और उसके बाद थ्योरी क्लास थी कंपोनेंट की जी, उसमें हम आप मैं सब चेक कर सकता हूँ कौन सा आईसी खराब है या नहीं, चेक कर सकता हूँ। उसके बाद थ्योरी क्लास हुई थी कंपोनेंट, प्रैक्टिकल क्लास हुई थी कंपोनेंट की, उसके बाद पावर आईसी रिवॉल्व। जी सर, आज मॉर्निंग में हमारी क्लास थी आईसी रिवॉल्विंग की, जिसमें हमने डबल डेकर और आईफोन का डबल डेकर। उसके बाद 11 बजे सर क्लास थी हमारी देव सर के साथ जी। मैं से मतलब
कंपोनेंट टू क्लास हुई सर, जिसमें से डिस्टेंस ट्वेल ये सब की जानकारी दी गई डीप लेवल से सर। अच्छा, पूरी अच्छी तरीके से सर। 8 बजे आया हूँ सर। हाँ, एशिया टेलीकॉम सुबह से सर, सर ने बहुत अच्छी तरह बताया सर, सारे कंपोनेंट्स की जानकारी दी। उसके बाद लाइब्रेरी में अच्छी तरह पूरा प्रैक्टिकल हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र मुंबई से आज हमारे क्लास में आईसी रिबॉलिंग हुआ है। सुबह में 8 बजे का क्लास था, 8 से 12 बजे तक आईसी रिबॉलिंग का क्लास हुआ। उसके बाद सर क्या स्किल बना आपका रिबॉलिंग का, ये बताइए। बहुत मज़ा आया, मज़ा आया। उसके बाद दोपहर में क्लास किन के साथ थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी। कंपोनेंट्स के बारे में उन्होंने पढ़ाया, बहुत मतलब डीपली पढ़ाया। जैसे हमें कभी हमने ऐसा कंपोनेंट्स चेक नहीं किया कुछ नहीं, सब पूरा डीपली पढ़ाया। और बाद में 6 बजे का हम उस पर प्रैक्टिस किए पूरा एकदम। और उसके बाद हमारा पावर आईसी के ऊपर क्लास हो गया, पावर आईसी निकाल कर फिर से रिबॉलिंग करके बिता दिया। तो ऐसे टेलीकॉम मतलब मैं बोल सकता हूँ पैसा वसूल है? पैसा वसूल है, कोई जिसको आना है बिंदास आ जाओ, पैसा वसूल है। सुबह 8 बजे तक कंपोनेंट और डायोड कैपेसिटर क्लास था, और सुबह सीपीयू रिबॉलिंग यूनिवर्सल डिस्टेंस है, पावर आईसी निकलने और उनसे लेके कोई किसी प्रकार का कंट्री नहीं आपको, कोई सा भी सीपीयू आपको दे दे यूनिवर्सल स्टेंसिल में कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं। डबल डेकर सीपीयू किया आपने? कर सकते हैं। नागपुर से सर जी बताइए। आज हम सवेरे 8 बजे आए जी, आने के बाद हमने आज डबल डेकर आईसी पे काम किया, रिबॉल किया उसको, अच्छी से रिबॉल हुई। उसके बाद हमारी 11 बजे के बाद हमारी थ्योरी क्लासेस हुई, जिसमें हमारे कंपोनेंट का पूरा पूरा डाउट क्लियर करा दिए। उसके बाद वापस से हमारा फिर प्रैक्टिकल हुआ, कंपोनेंट का प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने पावर इस लेवल से मतलब सर ने जो कंपोनेंट की क्लास थी आपको, मतलब किस लेवल से दी आपको, आपका क्लास 1 क्लास 2 कंपोनेंट की दोनों की दोनों आगे हुई? आज सेकंड डे था और मेरा काफ़ी दिन का एक्सपीरियंस पहली भी, लेकिन बहुत अच्छा रहा और काफ़ी डीप नॉलेज दिए सर। मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया सर। किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से स्टैंडर्ड डिलीवर्ड करते हैं रहते सर? और सटीक कोई ऐसा कोई होता है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक वाला नॉलेज दे रहे हो? नहीं नहीं, प्रॉपर नॉलेज तो मिल रहा है सर, है ना? और वाला नॉलेज जो किसी काम में नहीं आया, यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं है सर, यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं है ना, यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना यहाँ पर, जो बाय प्रैक्टिकल होता है, ऑन द प्रैक्टिकल होता है, जो डायग्राम का जो हिसाब से जो होना प्रॉपर हो रहा है, तो हर चीज़ को सर डायग्राम से सर्टिफाइड करके बताते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई चीज़ की अगर वैल्यू बताइए कि इस चीज़ की वैल्यू, इसको आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसकी जगह आपको रिप्लेस करके ये सेम चीज़ लगाना है। ऊपर उपाय होगा तो उसको उपाय बताते हैं, जिसके ऊपर उपाय नहीं होगा, जिसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वही बताएंगे। चलिए सर, आज हमने डबल डेकर सीपीयू किया है और पावर आईसी पावर आईसी को रिकॉल कर बोर्ड पर भी लगाया। कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहली बार लगाई है। पहली बार लगाई है सर? चलिए, इसके पहले कभी काम नहीं किया था आपने बोर्ड पर? वो कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं सर, कंपोनेंट का भी पूरा डीप नॉलेज हो चुका है। 1 और 2 की क्लास पूरी समझ में ही आ सर, उसका प्रैक्टिकल भी किया आपने सर? प्रैक्टिकल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी? अगर किसी भी में कोई सा भी कंपोनेंट आपको टेस्ट करने के लिए या ट्रेस करने के लिए दे, तो आप कर सकते कि नहीं सर? कर सकते हो जी। मेरा नाम मोहम्मद अफजल रजा है, मैं बिहार से हूँ जी। मैं सवेरे आया 8 बजे, 8 बजे आने के बाद डबल डेकर सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्विंग किया। अच्छा, रिवॉल्विंग करने के बाद उसके बाद 11 बजे से देव सर के साथ क्लास प्रैक्टिकल क्लास हुई, 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक हुई। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ लैब में आने के बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल किया गया उसको। अच्छा, प्रैक्टिकल करने के बाद फिर यहाँ पे पावर आईसी निकाला, पावर आईसी निकालने के बाद फिर उसको माउंट किया गया। कल का की क्लास है आपकी? लाइव 4G मोबाइल से पावर आईसी निकाल के चालू करने की क्लास? यस सर। कैसा है, एक्साइटमेंट लग रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा फुली एनर्जी के साथ। चलिए, और देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी। हाँ, और वहाँ पे डीप लेवल तक पूरी जानकारी मिली। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद प्रैक्टिकल किया पूरा, उसमें कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर, कोई कंफ्यूजन तुम्हारे अलावा पूरी क्लास में किसी के पास कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, सबने डाउट पूछा उसका जवाब मिला जी। मनोज बताइए, आज सुबह 8 बजे आया, 8 बजे आके डबल डेकर किया है? चार साल में भी नहीं किया था। कंपोनेंट एक बड़ी चीज होती है दिमाग में आ जाना। यस सर, आपको किस लेवल से पढ़ाया? डीप लेवल में, डीप में जाके पढ़ाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं, उस कंपोनेंट की क्लास का प्रैक्टिकल किया कि नहीं? प्रैक्टिकल किया, उसके बाद पावर आईसी रिवॉल्व की। जैसे क्लास थी हमारी,
उसमें हमने डबल टेकर सीपीयू रिवर किया। उसके बाद देव सर के साथ हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लास थी। उसके बाद हमने कैसी लगी क्लास आपकी? किस बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद सर हमने आईसी रिवर की, पावर आईसी। फील्ड में ट्रेस करने में, उसकी रीडिंग लेने में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर। रजिस्टर के सारे प्रकार मालूम है आपको? कॉइल के सारे प्रकार मालूम है आपको? हाँ सर। डायोड के सारे प्रकार मालूम है आपको? कैपेसिटर किस टाइप के लगे होते हैं, क्या रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग क्या होती है, इंटरनल रीडिंग क्या होती है, पता है आपको? यस सर। चलिए ठीक है, तो सर ने आपको किस हिसाब से नॉलेज दिया? आपको एक मतलब यूट्यूब वाला नॉलेज दिया क्या? नहीं सर, यूट्यूब वाला नहीं। अच्छा, यूनिक नॉलेज मिला? यूनिक। उसके बाद देव सर की क्लास, सुबह हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया, उसके बाद में कंपोनेंट का प्रैक्टिकल किया और देव सर का क्लास था। और देव सर ने 11 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हम लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में बताया। और अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले पावर आईसी निकाला और उसके बाद में लगाया। टाइम देता है कम? प्रॉपर टाइम देता कि नहीं? बहुत टाइम देता सर, 14 घंटे। 14 घंटे से भी ऊपर हो गए? 15 घंटे। और जाते जाते 15.5 घंटे हो जाएंगे ना? 15 घंटे। और उसके बाद जाके सो जाओगे कि कुछ करोगे? खाना खाने के बाद क्या करोगे? थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कितने घंटे की? सुबह फिर 7:30 बजे आना ही है। तो कितने बजे उठना पड़ता है? 5 बजे। 5 बजे उठना पड़ता है जब 7:30 बजे आ पाते हो? तो ऐसा जीवन में कभी कराया आपने? ऐसा टेलीकॉम वाले पागल है ना? नहीं सर, वो जल्दी नॉलेज देते हैं, बहुत जल्दी है। जो आप जितना टाइम, बहुत टाइम कम टाइम देते हैं। कभी सुना है इतना इंस्टीट्यूट कोई पढ़ाता हो कभी? मतलब आईफोन का सीपीयू रिवॉल्व किया, एंड्रॉयड का सीपीयू रिवॉल्व किया, कंपोनेंट्स के बारे में डीपली जानकारी मिली, उसको आए ट्रैक किया, पूरा जानकारी ली। गुलाम सरवर छत्तीसगढ़ से। जी सर, आज हम सुबह 8 बजे आए हैं यहाँ और सर आते से हम लोग डुअल डेकर रिबॉलिंग किए हैं। सर उसके बाद करीब 11 बजे तक हम लोग रिबॉलिंग किए हैं सर। उसके बाद 11 बजे से देव सर का क्लास था, उनके साथ क्लास करते हैं सर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, करीब 5-6 बजे तक उनके साथ क्लास चला है हम लोग का। अच्छा सर, उसके बाद फिर जो क्लास हुआ था जिसमें जो भी डाउट था वो क्लियर किया अभी प्रैक्टिकल में। अच्छा, फिर उसके बाद रिबॉलिंग किए हैं सर पावर। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाले सीपीओ